फाइंड द मिसिंग नंबर। इस डायग्राम में जहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क है, जहाँ पर देखना है भी कौन सा नंबर आएगा, चार ऑप्शन है, चार में से कोई एक करेक्ट होगी। इसके लिए हमको सबसे पहले ये देखना है, ये 32 और 63 की हेल्प के साथ से 24 हमारे पास कैसे आ रहे हैं। और रो थर्ड में आपने ये देखना है 17 और 58 की हेल्प के साथ 47 कैसे आ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट रो को देखिए, जो 32 है, 32 हम कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 63 को कैसे लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, और ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 24, मतलब सेंटर वाला आंसर आ रहा है। सिमिलरली जो रो थर्ड है उसके लिए जो 17 है उसको हम कैसे लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 7, और 58 को क्या लिखेंगे हम, 5 मल्टीप्लाई बाय 8। इसको सॉल्व करोगे, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 47, मतलब सेंटर वाला नंबर आएगा। सिमिलरली जो रो सेकंड है, रो सेकंड में 19 को कैसे लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा कौन सा आंसर आएगा, 30, मतलब ऑप्शन सी।